For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को लेकर खबरों का बाजार गर्म है। लगातार मिथुन को लेकर कोई ना कोई अपडेट हमारे सामने आती ही रहती है, खासकर अगर अपडेट जुड़ी हो श्रीदेवी और मिथुन के रिश्ते से। तो अब हम आपको आज एक ऐसी ही बात बताने वाले हैं और इसमें हिस्सा है मिथुन की पत्नी योगिता बाली भी। जी हाँ, योगिता बाली के सामने जब मिथुन और श्रीदेवी के रिश्ते का सच आया था, जब उन्हें ये पता चला था कि उनका पति किसी और पर अपना दिल हार बैठा है, तो क्या किया था योगिता ने? क्या योगिता ने श्रीदेवी से जवाब मांगा था? क्या योगिता ने मिथुन से सवाल किया था कि क्यों की है उन्होंने उनके साथ बेवफाई? ये सब कुछ आप जानना चाहते होंगे और आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको उसी का जवाब भी देने वाले हैं। दरअसल मिथुन की पत्नी योगिता ने श्रीदेवी पर एक भद्दा बयान किया था, जहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जीवन में अगर दूसरी औरत बनकर वो दाखिल होना चाहे तो मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं अपने पति को तलाक कतई नहीं दूंगी। इस बात से आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना गंभीर हो चला था कि योगिता को मीडिया के सामने आकर इतना बड़ा बयान देना पड़ा। खैर, ये रिश्ता समय के साथ कुछ और परतों से ढकता गया और फिर मिथुन श्रीदेवी हमेशा के लिए अलग हो गए थे। ये कहानी लंबी चली, खूबसूरत रही, मगर इसका अंत भयानक रहा, क्योंकि ये प्रेमी जोड़ा कई तरह की गलत फहमियों के चलते अलग हुआ। तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज़ जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज़ की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।